अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। एक एल्गोरिदम और एक फ्लो चार्ट के दरमियान डिफरेंस, फ़र्क। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के दरमियान डिफरेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कहानी और एक मूवी के दरमियान में फ़र्क है। एज़ वी हैव स्टडीड दैट अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्लो चार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मसले को हल करने के प्रोसेस की। बट एन एल्गोरिदम राइट्स द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। लेकिन एक एल्गोरिदम उन तमाम प्रोसेस को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख देता है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में लिख देता है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मुराद है नेचुरल लैंग्वेज। एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के फ़ायदे। ईजी टू ड्रा, फ्लो चार्ट को ड्रा करना नहायत ही आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना नहायत ही आसान हो जाता है बाई यूजिंग फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ़ एनी, अगर फ्लो चार्ट के अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा है तो उसकी आइडेंटिफाई करना, उसको शिनाख्त करना नहायत ही आसान है। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, फ्लो को ऑब्जर्व करना नहायत ही आसान होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या हैं? मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है बनिस्बत एल्गोरिदम के। एल्गोरिदम को ड्रा करने में अगर फॉर एग्जांपल 2 मिनट लग रहे हैं तो फ्लो चार्ट को 5 मिनट भी लग सकते हैं। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी वेरी टाइम, एक फ़्लो चार्ट को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई से मुराद चेंज करना, तब्दील करना बहुत ही मुश्किल है हर मरतबा। सारी बात है, हमने पिक्चर्स वगैरह उसके अंदर ड्रॉ करनी होती है और पिक्चर अगर एक दफ़ा ड्रॉ हो गई है तो उसको फिर रेस करना पड़ेगा, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा, तो इसको मॉडिफाई करना नहायत ही मुश्किल है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए फ़्लो चार्ट को ड्रा करना सूटेबल नहीं है, यानी कि बेहतर नहीं है। ज़ाहरी बात है जब प्रॉब्लम लंबी होगी तो उसका फ्लो चार्ट भी लंबा होगा, जब फ्लो चार्ट लंबा होगा तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, तो इस वजह से ये सूटेबल नहीं है, ये बेहतर नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ईजी टू राइट, एल्गोरिदम को लिखना नहायत ही आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर ईजी टू अंडरस्टैंड, एल्गोरिदम को लिखने की जो टेक्निक्स हैं उनको समझना नहायत ही आसान है। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एल्गोरिदम्स को लिखना नहायत ही मुफीद है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के कुछ नुकसान भी हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, अगर कोई एल्गोरिदम हमने बनाया हुआ है अगर हमने उसको मॉडिफाई करना है, उसको हमने चेंज करना है, उसके अंदर हमने किसी किस्म की तब्दीली लानी है तो ये बहुत आसान नहीं होगा हर मरतबा। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी, फ्लो को शो करना एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ये भी इसके अंदर मुश्किल है, आसान नहीं है। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, जब इसके अंदर गो टू का इस्तेमाल होता है और ये इसको नहायत ही मुश्किल बना देता है एल्गोरिदम को कि उसके अंदर हम एरर्स को आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर हम एरर्स की शिनाख्त करें। ये गो टू क्या है? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र से मुराद है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी चीज़ को देखते हुए, पड़कते हुए यूज़र ने कह दिया इन स्टेप्स को स्किप कर दो तो वो इन स्टेप्स को स्किप कर देगा। जैसे एग्जांपल मैं भी आपको इसकी दिखाता हूँ, आपकी बुक का पेज नंबर है आई थिंक 21, फिर भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं जी। ये 21 पेज नंबर है, इसके बढ़िया देखें अंदर एल्गोरिथम देखें। फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्राम n1 to n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर दैन 1, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आपने दो इवन नंबर्स देंगे आप और दो इवन नंबर्स की रेंज में जितने इवन नंबर्स होंगे उन तमाम को उसने क्या नाम है डिस्प्ले करना होगा, और जबकि n2 जो होगा वो n1 से बड़ा होगा, यानी कि जो दूसरा नंबर होगा वो पहले नंबर से बड़ा होगा। इसके अंदर किसने क्या लिखा हुआ है? गो टू स्टेप 3, इसने गो टू यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये गो टू यहाँ पर अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है, यानी कि बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रोकथाम के, जब यूज़र ने कह दिया गो टू चले जाओ,
वो स्टेप सिक्स के बाद स्टेप सेवन पे जब उसने आना है, तो स्टेप सेवन को वो स्किप करेगा और दोबारा स्टेप फाइव स्टेप फोर को छोड़ते हुए सीधा स्टेप थ्री पे चलेगा, क्योंकि यूज़र ने कह दिया अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के बिना किसी रोकथाम के यूज़र ने उसे डायरेक्ट कर दिया, उसे हुक्म दे दिया कि तुमने इन लाइंस को स्किप करते हुए दोबारा स्टेप थ्री पर ही जाना है। तो कहता है गो टू जो होता है, गो टू की वजह से, इसके अंदर जो गो टू का हम इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम्स के अंदर, इसकी वजह से एरर्स को फाइंड करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, सारा याद करना है, इसके अंदर से कोई भी चीज़ आपने नहीं छोड़नी है, डिसएडवांटेजेस तक आइडेंटिफायर्स तक सारा आपने याद करना है। अपना ख्याल रखना है, अल्लाह हाफिज़।